बहुत हवा चल रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छा से आप टाइम पास कर सकते हैं इस तरह का। ले ले अविनाश बोलते बोलते गिर रहे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जा रहे हैं गंगा बीच जो कि दीघा घाट पे पड़ता है, तो देखते हैं कैसा है ये। तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है आजकल, तो आपको सब कुछ रिव्यू दूंगा कैसा वहाँ का, कैसा माहौल है, कैसा सब कुछ व्यवस्था है वहाँ का, और किस तरह का आप वहाँ अपना स्टे कर सकते हैं, क्या आपका बोटिंग का है, क्या फैसिलिटी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसा है। ये आ गए हैं अब जी, आ गए हैं, चला जाए तो चला जाए। रोड बहुत ही अच्छा है वहाँ जाने के लिए, आपको रोड बहुत ही स्मूथ मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत ही आसानी से जा सकते हैं आप। आपका जेपी सेतु पुल के नीचे ही आपका गंगा बीच है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी बन ही रहा है, और लाइटनिंग वाइटनिंग का दिक्कत है, रात में थोड़ा सा लाइटनिंग वाइटनिंग का दिक्कत हो जाता है, तो लेकिन अभी तो अच्छा है, दिन में आप जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। संडे को गए थे तो भीड़ था, मतलब मीडियम भीड़ था, तो ठीक ठाक था, तो आप देख सकते हैं। वीकेंड के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है घूमने उमने के लिए। देखिए भीड़ बहुत ही ज्यादा था, बाइक वाइक आप नीचे भी घाट पे भी ला सकते हैं, बहुत सारे आदमी तो गंगा के दम किनारे दम बाइक वाइक लगा के अपना घूम रहा था। आपको ऊपर आपका पुल निकल जाता है, देखिए पुल के नीचे ही है आपका, ये जेपी सेतु का ब्रिज के नीचे ही में ही है आपका, आने जाने का रास्ता है ये। फिर सामने आपको दिख रहा होगा ये हाजीपुर का ब्रिज है, आपका हाजीपुर निकल जाता है, ये पटना हाजीपुर कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इवनिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है आपका घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा स्पॉट रहता है ये। अभी ये बन ही रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको भी कोई दिक्कत होगा, आने जाने में कोई दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। और अभी और बन जाएगा और डेवलप हो जाए तो बहुत और अच्छा लगेगा। शाम में थोड़ा सा लाइटनिंग का दिक्कत रहता है, एक बार लाइटनिंग वाइटनिंग का इशू इसमें सॉल्व हो जाएगा तो शाम में भी आप आराम से इसमें घूम सकते हैं, मतलब 8-9 बजे तक भी आप लोग यहाँ चेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो बना दिया है स्लोप टाइप का, नहीं ये काम का क्या रहेगा, जा पाएगा इस पर बच्चा, वो तो इसे फंस जाएगा, निकला हुआ है उतना वो नहीं है, आओ चला जाए, गरूर जाएगा ना। अविनाश बोलते बोलते गिर गए हैं। ये जगह ठीक है यहाँ, और तो कुछ ना है, पार्क टाइप का। हाँ
इसको ठीक से बना देगा ना इसको, तब सही रहेगा। हाँ यहाँ कहीं बैठते हैं आराम से। तो भाई अविनाश भाई कुछ रिव्यू देना चाह रहे हैं गंगा बीच के बारे में, कुछ बोलिए दो सब। दो सब क्या बोले, आते आते हैं यहाँ पे, आते आते तो बहुत दिन हो गया, ठीक है ना, बहुत दिन हो गया। कैसा लगा गंगा बीच? बहुत आने के बाद थोड़ा लगता है कि भाई सही है, नहीं सही जगह, बढ़िया टाइम पास करने के लिए इवनिंग में सही अच्छी जगह है। हाँ बोट तो आ गया है, बोट भी घूम के आ गया, पकड़ जाएगा इस बार, मान लीजिएगा इस बार कर लिया जाए, गिरेगा नहीं ना बोट। चला जाए क्या नाव पे, जी पर हो रहा है, चला जाए क्या नाव पे, चला जाए भाई नाव पे, चला जाए, आ जाओ यहीं से चलते हैं। नाव का खर्चा विनाश देंगे, विनाश लीजिएगा ना। हाँ पहले दो बार और विनाश क्यों गए, भीड़ हो गया नाव पे, तो कैपेसिटी होगा ना भाई नाव का, इसका बोट का कितना बिठाएगा ले, अभी से साइरन बजे लगा, मैं जाम में खतरा है, ओवरलोड हो गया क्या भाई, वो ठीक ना हो, टाइम होगा, टाइम पे छोड़ दिया होगा, टाइम पे छोड़ दिया होगा, जाइए। ये हम लोग बोटिंग पे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं लोग बोटिंग के लिए, कुर्सी उसे रखा हुआ है, 10-15 कुर्सी है, ऐसा कुर्सी हिलते रहता है, अगर बोटिंग कीजिए तो हिलते रहता है, पकड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो कब पता चला कि आप ऊपर से नीचे गिर गए, इसलिए थोड़ा पकड़ करके बैठिएगा अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो। और ये भी है कि आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, अगर बोटिंग स्टार्ट हो जाए तो अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, क्योंकि जो नाव चलाने वाला है वो बोलता है कि अपनी जगह से हिलना नहीं है, नहीं तो आप थोड़ा सा बैलेंस वो हो जाता है बोट का, तो जहाँ है वहीं बैठ के आप बोटिंग का मजा लीजिएगा, इसमें कुर्सी आराम से आप कुर्सी बैठिए और नज़ारे का आनंद लीजिए। गंगा में आपको एक बार राउंड घुमा के अच्छा से आपको इसमें फुल एंजॉय होगा, इसमें आपको एक बार घूमिएगा तो।
पूरी इतनी दिखी, भाड़ खूब है भाई। शाम हो गया, अब निकलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है ना भाई, हाँ भाई लाइक बोल दो, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। हाँ चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय गाइस।